जी ये तो बड़ा अच्छा आपने प्लान बनाया। मैं पिछले साल तक तो जब पिछला बोर्ड था ये भी बातें आई थी कि यहाँ पे शादी लॉन बना दिए जाए। चले अच्छा है, कुछ क्रिकेटर्स तो फ़ायदा उठाएंगे। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पिछले दिनों एक मीडिया रिपोर्ट्स कुछ ऐसी आई थी कि यहाँ का जो नाम है हनीफ मोहम्मद साहब से इसको मंसूब किया गया था, वो नाम चेंज कर दिया गया है जो बोर्ड वोर्ड लगाए हैं, ज़रा इसको थोड़ा क्लियर कीजिएगा। मैं समझता हूँ अभी तक जो मेरी मालूम आता है कि इसका नाम हनीफ मोहम्मद ही हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, और मैं समझता हूँ कि हनीफ मोहम्मद साहब बहुत बड़े क्रिकेटर थे। मैं समझता हूँ सबसे बड़े क्रिकेटर थे अपने टाइम्स में, उन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिए हैं, और जिस तरीके से हम उनका नाम याद रख सकें, एक ये तरीका है कि हमने ये इस अकेडमी करना। और दुनिया में हर मुल्क में आप देखें तो गावस्कर स्टैंड और टेंडुलकर स्टैंड और वार्नर स्टैंड और स्मिथ स्टैंड और चैपल स्टैंड, तो ये एक तरीका है कि क्रिकेटर्स को जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया हम उनके ऑनर करें और उनकी इज्जत करें, और हम इस तरह उनको याद रखते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा आपके करियर की तरफ आता हूँ। पाकिस्तान के लिए 81 आपने टेस्ट मैचेस खेले, विकेटों के पीछे आपके बड़े रिकॉर्ड है, और आपके ज़माने में जब आप खेलते थे दूसरे किसी को करीब नहीं आ पाने देते थे। अब जैसे सरफराज कैप्टन है वो भी विकेट कीपर है, आपका जो करियर था जैसे 81 आपके टेस्ट थे और उसमें कोई सेंचुरी नहीं थी, मेरे ख्याल 6-7 आपने 50 की, उस वक्त शायद इतना प्रेशर नहीं होता था, विकेट कीपर है तो सिर्फ विकेट कीपर। अब सरफराज विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, कैप्टनसी भी कर रहे हैं, तो क्या बड़ा प्रेशर उनके ऊपर आ गया? देखिए, अब थोड़ी सी क्रिकेट में तब्दीली आ गई है। अब जो T20 क्रिकेट आ गई है उसमें ऑलराउंडर्स की ज़रूरत होती है, तो विकेट कीपर बैट्समैन और बैट्समैन विकेट कीपर इज़ एन ऑलराउंडर, और 5 ओवर का खेल होता है, तो अब पहले तो स्पेशलाइज विकेट कीपर का ज़माना था और विकेट कीपर बैट्समैन कहा जाता था। अब थोड़ा सा चेंज हो गया, बैट्समैन विकेट कीपर की ज़रूरत हो गई है, और अगर उसके साथ साथ आप कप्तान भी रहें तो आपकी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है। विकेट कीपिंग एक ऐसा जॉब है कि जिसमें आपने हर बॉल पर कंसंट्रेशन करनी है, आप किसी बॉल पर भी कंसंट्रेशन करते हैं तो आपसे कैच और स्टंप छूट जाता है, तो इट्स टायरलेस जॉब, थैंकलेस जॉब। और अगर आप उसके साथ साथ आपको बैटिंग भी करनी है, मिडल ऑर्डर बैट्समैन भी बैटिंग करते हैं, विकेट कीपर गिलक्रिस्ट ओपन करता था, तो ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर आप कप्तान हो तो और ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, तो ये देखना है कि एक इंडिविजुअल उसको हैंडल कैसे करता है। अगर आप वैसे सरफेस पर देखें तो आप कहेंगे कि जी ये बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है और कप्तान विकेट कीपर को नहीं होना चाहिए, लेकिन मिसालें हैं कि विकेट कीपर कामयाब कप्तान हैं, धोनी की मिसाल है। धोनी मेरे ख्याल इंडिया के आउटस्टैंडिंग सक्सेसफुल कैप्टन्स में से एक कैप्टन है, और अगर और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये भी देखना चाहिए कि आपने इस चीज़ के लिए प्लानिंग क्या की है। क्रिकेट में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो कप्तान का होता है, कप्तान ही जनरल होता है, कप्तान ही प्लेयर को बनाता है, प्लेयर को बना। अब एग्जांपल मैं आपको विलियमसन की दूँ, विलियमसन ने सेंचुरी बनाई और न्यूजीलैंड को जिताया भी, पाकिस्तान टीम में 2 सेंचुरियाँ बनी अज़हर की और शफीक की, और फास्टेस्ट 200 विकेट, लेकिन पाकिस्तान हार गया। तो बात सारी ये है कि प्लेयर को और कप्तान को अगर परफॉर्मेंस करनी है तो उसकी टीम की कामयाबी भी होनी ज़रूरी है, और सबसे अच्छा एग्जांपल विलियमसन, उसको शायद ICC ने कप्तान ऑल टाइम इस साल की जो टीम है उसका कप्तान भी बनाया शायद विलियमसन को। कैप्टनसी की आपने बात की तो अभी भी मैंने इस तरह का एक सवाल किया था, सरफराज जो है वो इतने ज़्यादा टेस्ट में कामयाब जा नहीं रहे, आपने भी 6 टेस्ट में कप्तानी की थी, मेरे ख्याल से कोई मैच जीत नहीं पाए थे, सरफराज का भी टेस्ट में इतना अच्छा जा नहीं रहा, तो आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या उनको तीनों तर्ज में क़यादत करनी चाहिए या फिर मुख्तसर तर्ज में? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक तो रूल ये होता है, रूल ऑफ द थंब ये होता है कि जब आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको रद्दबदल उस इंडिविजुअल से बेहतर होना चाहिए या उसके लगभग होना चाहिए या आपने उसको डेवलप किया हो, तो अगर रिप्लेसमेंट नहीं है तो फिर रिप्लेसमेंट का फ़ायदा नहीं होता। तो और दूसरी चीज़ ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमको कम्युनिकेशन करनी चाहिए प्लेयर्स के साथ, एक तो सीरीज़ के दौरान कप्तानी
चेंज करनी तो ना एक अच्छी चीज़ नहीं है, और एक इशू बना देना वो भी अच्छी चीज़ नहीं है, प्रेशर और बढ़ जाता है। तो कप्तान को अगर चेंज भी करना है तो आप कप्तान से बात करें, कप्तान से कम्युनिकेशन करें, कप्तान से बातचीत करें, और बातचीत से चीज़ें हल ज़्यादा बेहतर होती हैं, बजाय चीज़ें एक इशू बन जाए और टीम पर भी प्रेशर बढ़ जाए। तो कम्युनिकेशन, जैसे मैंने पहले कहा और मैं फिर दोहराऊंगा, कमज़ोरी है पाकिस्तान में कम्युनिकेशन की, और मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंट होगी तो कॉन्स्परेसीज नहीं होगी, आप छुपा कर रखेंगे तो कॉन्स्परेसियाँ निकलेंगी। मीडिया तो आजकल का बड़ा स्मार्ट है, आप देखें ना कैसे स्मार्ट आज बनकर आए हैं, तो और हर चीज़ें उनको मालूम हो जाती हैं। तो ट्रांसपेरेंट रखें चीज़, कम्युनिकेशन रखें, और बातचीत से चीज़ें हल करें, सरफराज से, क्रिकेट बोर्ड से, या जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको सरफराज के साथ बैठकर बात करना ज़रूरी और सोल्यूशन ढूंढना होगा। आपको क्या, एक बैटिंग तो सबको लग रहा है कि बैटिंग पाकिस्तान की इतनी अच्छी नहीं चल रही, क्या आपके ख्याल में भी यही वजह है नाकामी जो हमको मिली? देखें, माइंडसेट जो है वो अब चेंज हो गया है प्लेयरों का, और अब वो शॉर्टकट्स, और हमारा कल्चर है, हमारी सोसाइटी का, कि हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, हम कोई सिस्टम से चलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जी कोई काम करना होगा तो कोई फास्ट तरीका कौन सा है, और वो तरीका हम बना लेते हैं। इसी तरह अब T20 के आने से हमारी प्लेयर्स जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट में तो आपको 5 घंटे खेलना पड़ता है, हर सेशन इम्पॉर्टेंट है। आप देखें कि आप टी और क्लोज सेशन में 101 पर एक आउट, 180 पर सारे आउट, एक सेशन आप खराब। हालांकि आप पाकिस्तान टीम को अपॉर्चुनिटी थी जीतने की, उस वक्त अपॉर्चुनिटी थी कि वो अच्छा टोटल कर सकते थे, लेकिन 180 में आउट हो गए, एक सेशन खराब गया। तो पेशेंस, आपको विकेट पे ठहरना है और पेशेंस शो करना है हर सेशन। आपको प्लानिंग ऐसे करनी है कि आप सेशन टू सेशन करें, ओवर टू ओवर करें, और आपको हर वक्त में, हर दिन आपको अच्छा खेल पेश करना है। अगर आप अच्छा खेल पेश नहीं करेंगे तो आप एक सेशन से हार सकते हैं। तो वो माइंडसेट जो है वो मैं समझता हूँ कि इनका माइंडसेट बन नहीं रहा। वर्ल्ड कप में किस कहाँ दिख रहे हैं पाकिस्तान टीम को? देखिए, पाकिस्तान टीम जो है एक शॉर्ट वर्जन में अच्छा कॉम्बिनेशन है, और अगर पाकिस्तान टीम को रेटिंग ना दी जाए, मैं समझता हूँ, तो पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस अच्छा करेगी। जब आप इसको आप रेट कर दें तो वो एडिशनल प्रेशर ले लेते हैं, जब रेटिंग हो जाती है तो फिर उनकी परफॉर्मेंस। आप चैंपियंस ट्रॉफी में कोई रेटिंग पाकिस्तान की थी नहीं, कहते थे कि पाकिस्तान टीम जो है क्वालिफाई भी नहीं कर सकती, बिल्कुल सही है, लेकिन फाइनल जीत गई, इसलिए कि प्रेशर नहीं था। अब अगर आपको रेटिंग मिल जाए, कि जिन पाकिस्तान टीम जो है, आपने देखा होगा कि जो ओपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान टीम हमें हरा देगी, वो इसलिए ये मीडिया वॉर करते हैं कि पाकिस्तान टीम जानते हैं कि अगर हम इनको रेट कर दें कंप्लेसेंसी आ जाएगी, और जब कंप्लेसेंसी आ जाती है तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। भाई साहब, नेशनल स्टेडियम में ही अब आप आ गए हैं, या सामने से नेशनल स्टेडियम आपको नज़र आ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये PSL तक मुकम्मल हो जाएगा काम यहाँ पर सारा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा डिसीशन है। पहली बात तो मैं कराची के मुतल्लिक ये कहना चाहता हूँ कि कराची पाकिस्तान का दिल है, और जितनी डेवलपमेंट कराची में होगी तो इसका रिज़ल्ट पाकिस्तान का पूरे पर आता है। इसी तरह क्रिकेट का दिल जो है वो कराची है, और कराची में क्रिकेट एक्टिविटी होनी चाहिए। आपने देखा कि फाइनल जो PSL का हुआ किस तरीके से, हालांकि सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, कुछ तकलीफ़ें भी थी स्पेक्टेटर्स को, लेकिन किस तरह उन्होंने सपोर्ट किया, मेरा मतलब मैसिव सपोर्ट कराची हाइट्स ने किया PSL, और इस साल भी PSL का फाइनल जो है वो यहाँ होगा, तो ये एक अच्छा डिसीजन है। और क्रिकेट में तब्दीली आ गई है, जैसे कमर्शलाइजेशन जैसे आई है, तो स्पेक्टेटर्स का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल हो गया। हम जरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में थोड़ा पीछे रह गए हैं। स्पेक्टेटर्स की जो फैसिलिटीज़ हैं वो टॉप क्लास होनी चाहिए, क्योंकि वो पैसे खर्च करते हैं, क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, और दुनिया के अगर आप स्टेडियम्स देखें तो हज़ारों पाउंड, हज़ारों डॉलर लगाए गए हैं कि
फैसिलिटी स्पेक्टेटर्स की इम्प्रूव की जाएँ, स्पॉन्सरशिप्स की फैसिलिटी इम्प्रूव की जाएँ, और जहाँ अब ये स्टार्ट हमने थोड़ा सा डिले किया है, लेकिन स्टार्ट हो गया, जब स्टार्ट हो गया तो मुकम्मल भी हो जाएगा, काम ज़ोरों से हो रहा है। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि कराची में एक नया स्टेडियम बने जिसकी कैपेसिटी 60,000, ये शहर बहुत बड़ा है, शायकीन क्रिकेट बहुत ज़्यादा हैं, 30,000 अंदर ग्राउंड में आते हैं तो 30,000 बाहर होते हैं, तो इसका हमको एडवांटेज लेना चाहिए और एक नया स्टेडियम बनाना चाहिए 7,000 कैपेसिटी का विद मॉडर्न फैसिलिटी, क्योंकि ये पुराना स्टेडियम उस ज़माने में ये ठीक था, अभी इसमें इतना ये पुराना हो गया कि इसमें गुंजाइश बहुत कम है। तो जितना पैसा अगर आप क्रिकेट बोर्ड ने अभी एक टीवी राइट्स का बड़ा अच्छा मुआहदा किया है $30 million का, तो मैं समझता हूँ इसमें से ज़्यादा पैसा एक दो स्टेडियम्स बनने चाहिए, एक नॉर्थ में और एक साउथ में, 60,000 कैपेसिटी का मॉडर्न स्टेडियम स्पेक्टेटर्स को ख़ास तौर पर फैसिलिटेट करने के लिए एक मॉडर्न फैसिलिटी का स्टेडियम बने, और आप देखें कि 90% 21 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की, 21 करोड़ में से 90% तो क्रिकेट के शायकीन हैं, या मार्केटिंग मेरे ख्याल क्रिकेट की करने की ज़रूरत नहीं है, फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी 1.5 अरब से ज़्यादा रकम लग चुकी है, अभी लगेगी और भी, बजट बढ़ भी गया, अब तो कुछ ऐसे होने चाहिए इसी नेशनल स्टेडियम में। मेरा मतलब ये इतनी जल्दी एक नया स्टेडियम बन नहीं सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज़रूरी है कि हम 60,000 कैपेसिटी का स्टेडियम एक साउथ में बनाए, एक नॉर्थ में बनाए। काफ़ी अरसे पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई, बरसों बाद अब वापस आई, इस दफ़ा तो ज़्यादा मैचेस हो रहे हैं, तो आप यकीनन आप भी बड़े खुश होंगे कि कराची के लोगों को भी एक अच्छी तफरीह मिल रही है। देखें क्रिकेट फलती है फूलती है जब टीमें बाहर से आती हैं, क्रिकेटर्स अपने रोल मॉडल्स को चुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी मिसालें देते हैं, और स्पेक्टेटर्स तो जान है क्रिकेट की, स्पेक्टेटर्स, और अब खुशाइन बात यह है कि इतनी देर क्रिकेट नहीं हुई लेकिन शौक क्रिकेट का कम नहीं हुआ, मेरे लगता है कि ज़्यादा ही हो गया, ये थैंक्स टू मीडिया, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी और टीवी ने ये बरकरार रखा शौक, और अगर क्रिकेट टीम्स आएंगी अब इंशाल्लाह, कोशिश हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम कुछ मैचेस, दो या तीन मैचेस पाकिस्तान में खेले, और ऑस्ट्रेलिया ने भी पॉजिटिव वहाँ से रिएक्शन आया, तो हो सकता है कि मार्च में जो ऑस्ट्रेलिया के वनडे टूर है यूएई में, उसमें से दो तीन मैचेस यहाँ हो जाएं, तो खुशाइन बात है, पॉजिटिव बात है, और सिक्योरिटी जो है वो बहुत पाकिस्तान की बेहतर हो गई है, और 2019 जो होगा वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साल होना चाहिए। शुक्रिया बारी साहब, ये थे वसीम बारी साहब, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, और यकीनन हर आने वाला बातें तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन उम्मीद है कि बारी साहब इनको पूरा भी करेंगे, और इनके पास बहुत बड़ा तजुर्बा है, जैसे मैंने बताया कि सिवाय चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान टीम के कोच, तमाम ही तकरीबन बड़ी पोस्ट इन पर रह चुके हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है, और इनके बड़े अजाइम तो हैं, देखते हैं किस हद तक कामयाब होते हैं, फिर इनसे कुछ अरसे बाद दोबारा बात करेंगे और जायज़ा लेंगे कि क्या इन्होंने इकदाम किए। थैंक यू।